ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी रीडिंग लेके आए हैं जिसको आप सब ने बहुत पसंद किया था, और वो थी पिछली बार हमारी अप्रैल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अभी इसी तरह हम मई की रीडिंग्स लेकर आए हैं कि मई में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में होने के। सो हम उसको इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप नाम राशि, अपनी जन्म राशि जो है यानी कि सन एंड मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जिससे आपको रेजोनेट होता है, जिससे आपकी सटीक भविष्य बैठता है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो ये रीडिंग हमारा आज का मेन होगा और ये जनरल रीडिंग होगी, ज़बरदस्ती इसको थोपने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी ये रीडिंग बैठती है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। और दूसरी एक बात जो मुझे कहना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करा करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करा करें। और ठीक है फ्रेंड्स, सो जल्दी से अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर वर्गो, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपके फ्यूचर की रीडिंग, क्या दिख रही है कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ मई। क्या है वो दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो वर्गो की लाइफ में मई मंथ में हमें दिख रही है, ठीक है। सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो क्या है कार्ड्स फॉर वर्गो। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स क्या है, टू मच लविंग पर्सन होता है, टू मच गिविंग होता है। एक ऐसा पर्सन जो जिसके साथ जुड़ जाए ना तो दो दुनी चार कर देता है, वैसा वाला पर्सन होता है। और आपके लिए ये किस तरह से आएगा हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। सो वर्गो, मुझे आपकी एनर्जीज में और आपकी रीडिंग में ये दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स का ना आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से दिख रहा है कि आपको अब ये रियलाइजेशन होता है कि आपने जिस जिस से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से या किसी से बहुत ज़्यादा लव अटेंशन, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा ये किया है, आपको अल्टीमेटली एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया जहाँ पर आपको एक रिग्रेट होने लगा कि भाई मैंने इतना अच्छा क्यों किया इस पर्सन के साथ, क्यों मैंने करा ऐसा। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है और ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, सो आपको मंथ में आपको जस्टिस आने वाला है, यानी कि चीज़ें आपके लिए बैलेंस होने वाली हैं। टू मच अगर आप गिविंग थे तो उसमें बैलेंस आएगा, लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आएंगी। अगर अभी तक बिल्कुल भी मतलब अंधेरा था ना, तो आप समझ लीजिए कि अब उजाला आने वाला है। अगर बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही थी चीज़ें तो अब क्लियर होने वाली हैं। सो आपको इस रिग्रेटफुल एनर्जी में अब नहीं रहना है, और आप इस रिग्रेट से कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और खुद के लिए भी और डिवाइन भी और लोग भी आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस करते नज़र आ रहे हैं। सो बहुत अच्छा एंड एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए आने वाला है, ठीक है। हम सेकेंड घटना की तरफ यानी कि भविष्यवाणी की तरफ बढ़ेंगे जो कि वर्गों के लिए हमें दिख रही है कार्ड्स में, और वो है द स्टार। द स्टार का कार्ड हमें कहता है हीलिंग का कार्ड है। द स्टार हमें कहता है बैलेंस, जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही या नहीं समझ में आ रही तो उसके लिए हमें अपने माइंड बॉडी सोल को कैसे नॉर्मल करना है, कैसे इस तरह से एक तारे की तरह चमकना है। अपनी चाहे हमारे अंदर कितनी भी आग हो, कितना भी कुछ हो, पर अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकल साइड को, सबको बैलेंस कैसे करना है, अपनी हीलिंग कैसे करनी है, आइए इसे क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ एंड नाइन ऑफ कप्स। मुझे जो एक बहुत अच्छी कार्ड नज़र आई है और वो ये आई है
कि आप वर्गो जो एक हीलिंग प्रोसेस पे ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे वर्गोस मुझे दिख रहे हैं और मैं वर्गो की रेगुलर रीडिंग करती भी हूँ। वर्गोस पीछे काफ़ी बड़े ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे हैं मोस्ट ऑफ द वर्गोस। अगर आप किसी भी चैनल पे जाके देखेंगे ना, वर्गोस की लाइफ में पिछले 2-3 साल 4 साल बहुत ट्रॉमेटिक थे। वहाँ से वर्गोस ने जो एक जर्नी ली है, जो एक हीलिंग की जर्नी ली है, ये जर्नी आपकी फर्दर एक्सटेंड होगी मई में। और आप अपनी लाइफ में जो अभी तक चीज़ें चाहते थे या जो चीज़ें आपकी लाइफ से मिस हो गई थी, आप सेल्फ लव में आकर उन चीज़ों को दोबारा से, जैसे कहते हैं ना, एक नया रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी मई मंथ में। सो आप एक रीस्टार्ट के, एक पुराने तरीके को, पुरानी एनर्जीज को छोड़कर नए तरीके से ज़िंदगी को नए हिसाब से जीने की कोशिश में दिख रहे हैं। सो बहुत प्यारे कार्ड्स आए वर्गो आपके लिए। दोनों ही जो ये भविष्यवाणी है बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि आपके लिए कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो रहा है या आपको कोई चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ गो विद द फ्लो करना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए मूनोलॉजी से, हम देखेंगे कि वर्गोस के लिए क्या है गाइडेंस। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग सही तरीके से होती रहे, सो सबसे पहले आपने अपनी मेडिटेशन पार्ट नहीं छोड़ना। आपको ऊपर वाले के साथ कनेक्ट रहना है। अगर आप मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी जिस भी धर्म की पूजा करते हैं, उसे आपने कंटिन्यू रखना है और उसी चीज़ को ही दिखाना है कि हाँ, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आई है, ठीक है। सेकंड कार्ड लेंगे, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो जो नेगेटिव चीज़ें हो गई वो हो गई, लेट इट गो। आपको उससे एक लेवल आगे जाना है वर्गो, और अपने इस कॉन्फिडेंस को अब दिखाना है लोगों को, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस के साथ आपने चीज़ों को डील करना है, नहीं तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं खोना। एंड नेक्स्ट, अ टाइम फॉर हीलिंग। अब देखिए कार्ड्स में भी यही आ गया, अ टाइम फॉर हीलिंग है। सो डेफिनेटली हीलिंग आपकी हो रही है और मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि बहुत अच्छी हीलिंग हो रही है वर्गोस की। आप उसी एक पैटर्न को फॉलो करते रहें, उससे आगे बढ़ें। यही मैं आपको बस एक सलाह दूंगी कि आपने हीलिंग पे फोकस करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, सेल्फ लव में आना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। सो ये है माय डियर वर्गोस आपकी रीडिंग। आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। सो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स। बाय फॉर नाउ।